वीकेंड न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूद सभी शिक्षकों के सामने नतमस्तक भी होते दिखाई दिए हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में 15,000 नव नियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए शिक्षकों को संबोधित किया है। सीएम ने शिक्षकों से कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, अपने गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उस समय स्कूल में टाट पट्टी नहीं होती थी, एक एक फट्टा बिछाने के लिए साथ ले जाना पड़ता था। एक काक में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था। स्कूल जाकर सबसे पहले अपने शिक्षक के पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करते थे, यह श्रद्धा का अभाव होता था। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है। इसलिए आपका जो काम है वो नौकरी का काम नहीं है। आप यह मत भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक है। वहीं शिक्षकों को प्रणाम करते हुए शिवराज ने कहा कि आप सभी के मान और सम्मान पे कभी कोई आंच नहीं आएगी, इसके लिए हमारी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि बच्चों के कौशल विभाग की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप सभी को बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वो नौकरी के लिए तैयार हो जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए वीडियो। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं ये उद्घोषणा करता हूँ कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा वो अपना भारत कराएगा, और उसके लिए बच्चे तैयार करने वो आपसे यही निवेदन है कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक के लगाए। आपका मान आपका सम्मान उस पर कभी आंच ना आए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। नई शिक्षा नीति से देश में बदलाव आ रहा है, बच्चों का कौशल विकास हो रहा है, इसके लिए शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।